पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के द्वारा छतरी वाले पार्क में स्थापना दिवस मनाया गया। भावादास ने ब्लड डोनेट कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भावादास के सदस्यों ने रक्तदान किया। भावादास और दलित समाज के चिंतकों ने दलित समाज के उत्थान के लिए विचार गोष्ठी की। उसमें कहा गया कि दलितों का उत्थान तभी हो सकता है जब हम सभी अधिक से अधिक बच्चों को, युवाओं को शिक्षित करें, तभी हम विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। इस मौके पर वीरोत्तम लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि कुछ लोग स्थापना दिवस के विषय में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भावादास का संविधान 1984 में लिखा गया था और भावादास का संविधान रामकुमार हमदर्द ने लिखा था, जो आज हमारे साथ नहीं है। इस मौके पर दलित समाज ने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने दलित समाज के लिए पूरा जीवन तन मन धन देकर दलित समाज के लिए संघर्ष किया और समाज को सम्मान दिलाया। इस मौके पर महावीर प्रसाद मौर्य, एडवोकेट ओंकार सिंह, बी एम सिंह, डिम्पल सागर, नीम सिंह बहेलिया, तारा चंद, चंदन सिंह रैदास, सुनील कांत, प्रेम बाबू, भूमिलाल वाल्मीकि, हरिओम वाल्मीकि, मुरारी लाल शेषन, विश्वनाथ सोनकर, राजेश, कृष्ण कुमार अग्रवाल, के मिश्रा आदि को सम्मानित किया गया। आज ये भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का 54वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोग रक्तदान किया है और बच्चों को, जो इंटर हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं और जो विचार गोष्ठी की है दलित, देखो संतों के ऊपर, दलित नेताओं के ऊपर, वाल्मीकि भगवान के ऊपर। और दूसरा यह है कि हमने यहाँ और भी संगठन के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अच्छा, किन किन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं आज? आज बच्चों की लिस्ट है, अभी आपके सामने आ जाएगा। कर रहे हैं पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।